आज हम लोग कंपास सर्वे में करेंगे, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग के बारे में जानेंगे। तो फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, ए बी लाइन, ठीक है। नॉट डायरेक्शन, ये मेरा इसका लाइन ए बी का बेरिंग हो गया थीटा, ठीक है। जब ए पर हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे यानी कंपास रखेंगे, अभी हम बेसिकली प्रिज्मेटिक कंपास से काम करके बताते हैं। तो जब प्रिज्मेटिक कंपास रखेंगे, ये थीटा डिग्री मिल गया लाइन ए बी का, हाँ, इंस्ट्रूमेंट जब यहां रखे तो ये हमको बीटा डिग्री हो गया, ठीक है। या बीटा डिग्री इससे अच्छा होगा कि यहां थाई मिले, क्योंकि इसे आप बी नहीं किए हैं। ये हो गया फाइव डिग्री नॉर्थ से, ये हम नापे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो गया फाइव डिग्री। तो अब जो है बेरिंग जो लिखते हैं, बेरिंग ऑफ लाइन, फर्स्ट ए बी, सेकेंड बी ए, ठीक है। सीधा अभी हम फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, या इसको थोड़ा सा हम स्टेशन,
व्यूविंग स्टेशन। तो अब अगर हम बेयरिंग ऑफ लैंड कहते हैं ए बी और दूसरा बी ए, ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो पहला लेटर है उस पर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ए हो गया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और बी ए के लिए बी हो गया। लाइन ए बी, बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी कुछ भी है, यहां हम थीटा एंड फाइव दे दिए, तो बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू थीटा। तो इंस्ट्रूमेंट किस पर है, यानी प्रिज्मेटिक कंपास, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया ए जिस पर हम प्रिज्मेटिक कंपास लगाए हैं, और व्यूइंग स्टेशन हो गया मेरा बी। पहले जो लाइन का नाम दिए हैं, तो पहला लेटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है ये व्यूइंग स्टेशन हो जाएगा। तो लाइन ए बी के लिए हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए, और व्यूइंग स्टेशन जिसको हम देख रहे हैं तो ये हो गया बी। लाइन बी ए के लिए जो हम करेंगे तो ये 5 डिग्री मेरा बेयरिंग है। तो इंस्ट्रूमेंट किस पर है, प्रिज्मेटिक कंपास मेरा स्टेशन बी पर है, और देख किसको रहे हैं, ए को, यह हुआ। तो इसी के अनुसार अगर हम आ गए इंटरमीडिएट पॉइंट पर, अगर हम यहां आ गए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। ये हो गया थीटा डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों तो पैरेलल है, और एक इंक्लाइन लाइन इसको काट रहा है, तो दोनों एंगल बराबर होगा। और यहां पर का नॉर्थ डायरेक्शन, यहां नॉर्थ डायरेक्शन तो सब पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो होगा ये एंगल हाई हो गया, ये इस स्टेशन का नाम हम दे देते हैं सी, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेशन का नाम। तो कोई भी लाइन जो है ये क्या बनाता है, किसी लाइन के किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, है? तो इधर जो है और इधर, ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहां से यहां 180 डिग्री हुआ ये, और यहां से यहां पूरा 5 डिग्री हुआ, तो जब इंटरमीडिएट पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो 5 माइनस थीटा, ये 5 हो गया, इसमें से ये थीटा माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि बियरिंग ऑफ
लाइन, ए बी बराबर ए सी स्क्वायर टू थीटा डिग्री, ठीक है। और बी ए ये हो गया एक, और दो हो गया बी ए बराबर यहां ए सी नहीं लिखो बल्कि या ए सी भी रहने दे सकते हैं, यहां ए सी स्क्वायर टू सी बी, या इसको थीटा को लास्ट में हो कर देते हैं, यहां हो गया सी बी स्क्वायर टू थीटा। अब तो क्लियर है, ए बी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर टू सी बी स्क्वायर टू थीटा डिग्री। अब चूंकि ए बी जो है ए सी बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ए सी बी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू 5 डिग्री हुआ। तो अगर सन किसी किनारे पर जाते हैं तो समझने में दिक्कत हो सकता है, हम सी पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं। सी पॉइंट पर तो सी बी ये जो हो गया थीटा हो गया सी बी का, और बी से ए का या सी से ए का, तो ये क्या है फाई है। तो अभी जस्ट हम वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, जो बड़ा एंगल है उसमें से छोटा एंगल को घटा दिए, तो फाई माइनस थीटा स्क्वायर टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि अभी इसमें क्या बता है, लाइन ए बी का बेयरिंग का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए हो गया, और बी को हम देख रहे हैं, बी ए का बेयरिंग का मतलब हो गया बी पर इंस्ट्रूमेंट है और ए को देख रहे हैं। तो अब इसको लिखने का और भी तरीका दूसरा है कि बेयरिंग का मतलब डायरेक्ट होता है कि नॉर्मल बेयरिंग, तो एक होता है फोर बेयरिंग, और इसको डिनोट किया जाता है एफ बी से, और एक होता है बैक बेयरिंग, इसको डिनोट किया जाता है बी डॉट बी से बैक बेयरिंग, ठीक है। फोर बेयरिंग ऑफ
ए बी बैक बेरिंग ऑफ ए बी फोर बेरिंग ऑफ बी ए बैक बेरिंग ऑफ बी ए ठीक है। हम ये चार चीज लिखे। अब यहां हम एक टेबल बना देते हैं। फोर बेरिंग ऑफ लाइन बैक बेरिंग ऑफ लाइन यहां हम ए बी जी यहां देखिए बी ए यहां दे दिए बी ए ठीक है। देखिए लाइन का नाम उलट पलट करके हम दे रहे हैं लेकिन यहां बेरिंग का नाम क्या दे रहे हैं फोर बेरिंग ऑफ बैक बेरिंग। जब फोर बेरिंग ऑफ ए बी होगा तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो जाएगा मेरा फोर बेरिंग। तो फोर का मतलब क्या होता है पहला। तो लाइन का नाम ए बी है तो पहला लेटर क्या है ए है तो ए पर इंस्ट्रूमेंट हम लगा दें प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा लेटर को हम देखेंगे बी को देखेंगे इस तरह से फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी ए का मतलब हो गया बी पर प्रिज्मेटिक कंपास हम फिट करेंगे और ए को देखेंगे ठीक है। बैक बेरिंग ऑफ लाइन बैक मतलब क्या होता है पीछे का है? तो लाइन का नाम क्या है मेरा ए बी तो बैक मतलब फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का नेमिंग है कि इंस्ट्रूमेंट कहां हम फिट किए हैं। तो बैक मतलब लाइन का नाम है ए बी तो पहला हो गया ए दूसरा हो गया यानी पीछे का लेटर हो गया बी तो बी पर इंस्ट्रूमेंट है यहां बी पर इंस्ट्रूमेंट है और ए को देख रहे हैं ठीक है। उस तरह से बैक बेरिंग ऑफ बी ए यानी बी पहला हो गया ए दूसरा हो गया तो पीछे का लेटर कौन सा हो गया ए ए पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा मेरा और पहला को देखेंगे यानी बी को देख रहे हैं
तो इससे क्लियर हो गया कि फोर बेरिंग ऑफ एनी लाइन मतलब जो पहला लेटर रहेगा लाइन का उस पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा और दूसरा जो लेटर रहेगा उस पर उसको हम देखेंगे। और बैक बेरिंग ऑफ एनी लाइन का मतलब हो गया लाइन का नाम दो लेटर से डिनोट करते हैं लाइन को, तो पिछला लेटर जो पिछला स्टेशन है यानी बी दूसरा स्टेशन बी पर पिछला लेटर पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा और पहला लेटर को हम देखेंगे। तो ये हो गया। तो अब जो है तो अब देखिए फोर बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो गया, इसे क्या समझे, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए है और रिसीविंग स्टेशन बी है और बैक बेरिंग ऑफ बी ए बी, बैक बेरिंग ऑफ बी ए ये भी देखो कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, ए पर है और बी को देख रहे हैं यानी दोनों एक ही चीज हो गया। क्यों लिखने का हमारा फिर रहेगा यानी कि फोर बेरिंग ऑफ ए बी और बैक बेरिंग ऑफ बी ए ये दोनों मेरा एक चीज हो गया, ठीक है। और फोर बेरिंग ऑफ बी ए, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, बी पर, और देख किसको रहे हैं, ए को। अब बैक बेरिंग में आओ, बैक बेरिंग ऑफ ए बी, ए पर इंस्ट्रूमेंट है, ए है यहाँ और दूसरा लेटर बी है, तो बी पर इंस्ट्रूमेंट है और ए को देख रहे हैं, बी पर इंस्ट्रूमेंट है और ए को देख रहे हैं यानी कि ये दोनों एक ही चीज हो गया, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और व्यूइंग स्टेशन का आंसर। तो ये बैक बेरिंग ऑफ ए बी और फोर बेरिंग ऑफ बी ए दोनों एक ही चीज हो गया। इसका मतलब हो गया फोर बेरिंग ऑफ बी ए, और इसका मतलब हो गया फोर बेरिंग ऑफ ए बी का मतलब बैक बेरिंग ऑफ बैक बेरिंग ऑफ बी ए। ये क्या हो गया, फोर बेरिंग ऑफ बी ए का मतलब बैक बेरिंग ऑफ ए बी। और बैक बेरिंग ऑफ बी ए तो मतलब ए पर इंस्ट्रूमेंट है, यहां ए पर इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया फोर बेरिंग ऑफ ए बी। ए बी यहां इंटरमीडिएट पॉइंट से हम समझ रहे हैं फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जो भी बड़ा है वैल्यू ये कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। एक फार्मूला इससे हमको क्या मिलता है, इसी जब हम प्रूफ किए कि इंटरमीडिएट पॉइंट का पॉइंट सी क्या हो गया, फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी किसी लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होगा 180 डिग्री होगा। तो इससे हमारा एक फार्मूला निकलेगा
फोर बेरिंग ऑफ एनी लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ सेम लाइन इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है या हम कर सकते हैं बैक बेरिंग ऑफ एनी लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ सेम लाइन इक्वल टू 180 डिग्री ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसको दोनों को समराइज अगर करते हैं तो फोर बेरिंग डिफरेंस बैक बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री फोर बेरिंग डिफरेंस बैक बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री ये मेरा एक फार्मूला हो गया। तो डिफरेंस करने का मतलब हो गया कि जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दिए तो ये मेरा आएगा 180 डिग्री। लेकिन कब जब लोकल अट्रैक्शन नहीं हो या ने स्थानीय आकर्षण नहीं हो। स्थानीय आकर्षण पर बहुत ही अच्छा बात हमको याद आ गया कि एग्जामिनेशन में हम लोग कॉपी जांचने गए हुए थे वहां पर क्वेश्चन था व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन या हिंदी में जो क्वेश्चन था स्थानीय आकर्षण से आप क्या समझते हैं उसमें एक कॉपी में हमें आंसर क्या मिला कि जो स्थानीय रूप से बहुत सुंदर चीज बना हुआ रहता है उसकी ओर जो आकृष्ट होता है आदमी उसको स्थानीय आकर्षण कहते हैं जबकि ये सरासर गलत चीज है। स्थानीय आकर्षण यहाँ या लोकल अट्रैक्शन जो है अब क्या है कंपास तुम जनरल सी बात जानते हो कि कंपास में मैग्नेट होता है और मैग्नेट के कारण ही जो है ये मेरा नॉर्थ साइड डायरेक्शन बतलाता है। तो मैग्नेट जब वर्क कर रहा है तो मैग्नेट अगर कहीं है उसे पर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा ठीक है मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा तो क्या करेगा मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा अपने पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा कंपास का पोजीशन। तो एक्चुअली जो होना चाहिए उससे वो बहरी हमको बहरी करके देगा। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो हो गया जो आपके पास है। तो कंपास सर्वे का जब भी हम काम करेंगे तो जो भी आदमी रीडिंग ले रहा है खास करके वो प्रिकॉशनरी क्या करे जैसे बेल्ट खोल दे लोहा का अंगूठी है ये खोल दे और जो भी चीज मैग्नेटिक मटेरियल है वो सब अपने पास से हटा दे तब वो रीडिंग ले नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। या इलेक्ट्रिक पोल है जो कि लोहे का है तो वो भी अट्रैक्ट करेगा चाहे वो कितना भी दूर में है लेकिन कमोबेश वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट को एक्चुअल पोजीशन से नॉर्थ साइड पोजीशन से वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देगा। या आपको तार है इलेक्ट्रिक वायर जब उसमें तो कहोगे कि इलेक्ट्रिक वायर तो एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का है ठीक है जब तक उसमें करंट नहीं पास कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कोई डेविएशन डेवलप नहीं करेगा। लेकिन जो ही उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा जिसके कारण मैग्नेट जो है वो अपने पोजीशन से डेविएट कर जाएगा। तो ये जो डेविएशन होता है ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल
और मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहा जाता है लोकल अट्रैक्शन। अब जैसे मान लो कि यहां पर हो गया 45 डिग्री, ठीक है, यहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर जाते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक पोल भी है और जो वायर है उसके ऊपर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए है? तो ये कुछ डेविएट करके आइदर 45 डिग्री अगर थीटा को मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 इसमें ऐड करेंगे तो 225, तो आइदर ये मोर देन 225 हो जाए या लेस देन 225 हो जाए, तो डिफरेंस निश्चित रूप से 180 डिग्री नहीं आएगा, फोर बेरिंग का बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं होगा। जब ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं होता है, यानी कि किसी एक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है या दोनों पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, यह हो सकता है इस पर लोकल अट्रैक्शन का वैल्यू कम हो, इस पर ज्यादा हो, या इस पर कम हो और इस पर ज्यादा हो, यह हो सकता है, यानी लोकल अट्रैक्शन से है कि लोकल अट्रैक्शन है इसलिए यहां हमारा 180 डिग्री नहीं आ रहा। ऐसा भी होगा कि दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन रहे और दोनों पर जो है मैग्नेटिक फील्ड सेम अमाउंट का डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये मेरा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि फील्ड में मोर और लेस कहो कि कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, जमीन के नीचे गहराई में तुम चले जाओ, क्या चीज है ये हमें मालूम नहीं है, हम सिर्फ सरफेस को देख रहे हैं कि यह जमीन है, ओपन लैंड है, ठीक है। अगर बिल्डिंग भी है तो बिल्डिंग में क्या होगा, बिल्डिंग में बताया है कि कॉन्क्रीटिंग होता है, तो कॉन्क्रीटिंग होता है तो पीसीसी हुआ तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरसीसी होगा यानी कि छड़ जब डाला जाए, छड़ क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लोहा है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होने के कारण वो कुछ ना कुछ कमोबेश डेविएट करेगा मैग्नेट को, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉइंट पर सेम क्वांटिटी का हमें लोकल अट्रैक्शन मिले और दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री हो जाए, तो भी वैसे कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि ये दोनों स्टेशन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो इस पर हमको प्रॉब्लम मिलेगा एग्जामिनेशन में, निश्चित रूप से इस पर एक प्रॉब्लम आता है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग पर ये ट्रैवर्सिंग में, तो इसको करेक्शन करना पड़ता है कि कहां पर कितना करेक्शन होगा ये कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि ये लोकल अट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन का वैल्यू के कारण क्या होगा, एरर डेवलप होगा, एरर का साइन जो रहेगा उसका अपोजिट साइन हम लगाएंगे तो हमें करेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।